15 साल से 22 साल के सारे लड़के लड़कियों के लिए ये जवाब है। पहले तो जो तुमने मूवीज़ में और टीवी पे देखा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ज़िंदगी, ये बॉलीवुड लॉलीवुड की मूवीज़ और ड्रामों का नाम नहीं, ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट। मियाँ बीवी के रिश्ते को ये ड्रामे जितना भी दिखा लें, ये ड्रामे जो आजकल पाकिस्तानी मीडिया दिखा रहे हैं ना, ये इनकी इतनी नहुसत है ना कि आप सोच नहीं सकते। शादी लफ्ज़ों से एक दूसरे को या जिस्म से एक दूसरे को खुश करने का नाम नहीं है। पहली बात, गौर से सुनी पुत्र, शादी लफ्ज़ों और जिस्म के मिलाप का नाम नहीं है, शादी निभा का नाम है। बड़ा फ़र्क है जुमले में। शादी निभा का नाम है, लिका का नाम नहीं है लफ्ज़ों और जिस्म। ये वक्ती होती, ये भी बहुत लाजिम है। जिस इंसान, अल्लाह ने जहाँ हुक्म रखा है मिलने का वो, लेकिन शादी निभा का नाम। और एक टाइम पर जब तुम एक दूसरे के जिस्मों को देख लोगे और एक दूसरों के लफ्ज़ों को सुन लोगे, तो फिर एंड में आती है और सबसे बड़ी चीज़ आती है सीरत। तो अगर तेरे बराबर में वफादार बच्ची नहीं है, अगर तेरे बराबर में बावफा बीवी नहीं है, बहादुर बीवी नहीं है, गैरतमंद बीवी नहीं है और शेर की बच्ची नहीं है, तो तेरी जिंदगी में जहां तू पहुंचना चाहता है ना, तुझे गिराने वाले बाहर नहीं होंगे, तेरे घर से मर जाएगा। अगर तू आदमी छोटा है और तेरी सोच छोटी है और तेरी गैरत कम है और तू गुलाम इंसान है और तुझे जलील करवाना अपने आप को माशरे में अच्छा लगता है, तुझे भाई भी जलील करते हो, तुझे बाप भी जलील करता हो, तुझे दोस्त भी जलील करते हो और गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो तू फिर अपनी मन चाही चला सकता है। अगर तू गैरतमंद मर्द है, एंड इफ यू आर एन अल्फा लायन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन अल्फा मैन? अल्फा मेल्स टेरिटोरियल होते हैं, वो अपनी सल्तनत, शेर सल्तनत शेयर नहीं कर सकता पुत्र, वो अपनी बनाएगा, अगले शेर को मारेगा और क्लेम कर देगा कि आई एम द किंग। इस टेरिटरी में मेरे आगे सर उठा के नहीं आ सकता। ये थोड़ा पाकिस्तानी बात है, इसको दीन से मत जो, मर्द मर्द होता है चाहे जिधर भी। और उस बादशाह के साथ जो उस बादशाह की कमर मजबूत कर रही होती है ना, वो उसकी उसकी मलक उसकी उसकी बीवी होती है। बीवी होती है जो उसे जुमले देती है रात के उस पैर में जब उसका सीना फट रहा होता है। बीवी होती है जो उसे कहती है कि घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तू झुग्गी में भी जाएगा ना, मैं तेरे साथ चली जाऊंगी, मैं तेरे बच्चे भी, मैं इस बच्चों को छोड़ सकती हूं तेरी इज्जत बयान। ये जुमले मर्द को 15 साल की उम्र में नहीं चाहिए होते, मगर 30 साल में चाहिए होते हैं। एक उम्र के बाद बेटा तुझे ये शशकेबाजियां नहीं चाहिए होंगी, किसी भी कास्ट का हो, गैरत और इज्जत की कोई बरादरी नहीं होती। एक टाइम पर हलके में बैठने के लिए तुझे बराबर वाला हलका नहीं चाहिए। इसलिए अगर तू अपनी पसंद की करना चाहता है बेटा, तेरी ज़हनियत और तेरा मियार और तेरे उसूल अभी इतने बड़े नहीं हैं कि तू वो लड़की ला सके जो आगे के लिए तेरे लिए अच्छी। अगर तू अपनी 25 साल की जिंदगी को सामने रख के फैसला करवाना है, तो तू फैसला उनसे करवा जो खुद किंग है, जो खुद राज करते आए। अगर तू बड़ों के कहने पे शादी करेगा, कल को लड़ाई भी हो गई ना, तो बड़े तेरा बोझ उठा लेंगे तलाक का। अगर तू अपनी मर्जी से लाएगा पुत्र, तो ये पाकिस्तानी बाप जो होता है ना, खून तो दे सकता है, गला भी दे सकता है औलाद, इज्जत भी दे देता है बाप, लेकिन तुझे बैग नहीं मिलेगी। अगर तू फैमिली की बैग चाहता है कि लोग तेरे साथ खड़े हों, और शादी सिर्फ ये नया हो, इसका नाम नहीं है, तो तू अपने आप को चेंज भी करेगा और बच्ची वो लेके आ जो खानदानी बच्ची हो, उसकी माँ उसकी नानी देखी हो, उसका दीन हम जानते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़ाता माल इन व ज़ाता हस्बिन व ज़ाता जमाल इन व ज़ाता दीन, मगर दीनदार बच्ची अगर लाएगा
चाहे अपनी मर्जी से भी ला। दीनदार बच्ची भी गलतियां कर जाती है और दीनदार बच्चा भी गलती कर, लेकिन दीन एक आर्टिकल है घर बचाने, इससे हट के कुछ लाएगा हसन बूढ़ा हो जाएगा, खूबसूरती बूढ़ी हो जाएगी, अदाएं खत्म हो जाएंगी, जफाएं खत्म हो जाएंगी, दीन हमेशा जिंदा रहेगा। बच्ची बेटा खानदानी ला और अच्छे कबीले से लेके आ और खानदानी घर की बच्ची ला,